मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज विधायक मंत्री ने दिया अपने सभी पदों से इस्तीफा। कांग्रेस में मचा हड़कंप। तो स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के इस दिग्गज विधायक ने दिया अपने सभी पदों से इस्तीफे के विषय में। क्या है जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों उदाहरण टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में घमासान। पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध का सभी पदों से इस्तीफा। दोस्तों एमपी उपचुनाव से पहले कांग्रेस में जमकर घमासान मचा हुआ है, खास करके टिकट वितरण के बाद अंतर्कलह और असंतोष के स्वर तेजी से फूट रहे हैं। इसी कड़ी में टिकट कटने से नाराज पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। खबर है कि भांडेर विधानसभा सीट से फूल सिंह बरैया को चुनावी मैदान में उतारने के पार्टी के फैसले से महेंद्र बौद्ध नाराज चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दिग्विजय सिंह के सामने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, साथ ही बगावत के संकेत भी दिए थे। इस पूरे घटनाक्रम को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस्तीफे के बाद कांग्रेस में जमकर हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो बड़े नेताओं द्वारा बौद्ध को मनाने की कवायद जारी है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग के अध्यक्ष महेंद्र बौद्ध ने अपने पद का पर कार्य करने में असमर्थता जाहिर करते हुए विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन रावत को पत्र लिखा है, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बौद्ध का रावत को लिखा गया पत्र अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे आप वापस बसपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अभी उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान किया है। बीजेपी ने कसा तंज। दोस्तों आपको बता दें खास बात यह है कि बौद्ध का इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब सुर्खी से भाजपा के पूर्व विधायक पारुल साहू ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर बाद अब बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने ट्वीट कर लिखा है कि पारुल से तो कई गुना बड़े नेता हैं महेंद्र बौद्ध। इस ट्वीट के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस पर अब तक कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है।